थैंक यू। क्या कहना चाहिए जिंदाबाद के लिए? वेल डेफिनेटली इट्स माय फर्स्ट वेब दैट आई एम डूइंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब विच इज़ ऑल अबाउट लव एंड पीस इवेंचुअली. ऑब्वियसली जिंदाबाद के जब से प्रोमोज बाहर आए हैं, देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी वेर पीपल हैव बीन गिविंग अ मिक्स रिस्पॉन्स एटलीस्ट टू मी बिकॉज आई एम प्लेइंग एन आई एस आई एजेंट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर. सो आई हैव सम पीपल वेन दे सी माई लास्ट प्रोमो सॉन्ग दे हैव देयर ओन व्यूज अबाउट मी सपोर्टिंग अदर कंट्रीज सिचुएशन, बट देन ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी पीपल हु हैव सीन इट as an individual, as an actor, as a character, as a web, they've all been loving it, and I think that's the best thing about it. Let's see how it works out. So that's what eventually people will see when the web ends. Vikram Bhatt direct nahi kar rahe hain, kisi koi aur kis tarah ka experience raha, Vikram Bhatt kya unhe advice de rahe the ki nahi? I think Siddhant Sachdev, who's the director of Zindabad, has done an amazing job because उन्होंने I think Vikram sir के साथ almost 9 से 10 web कर चुके हैं. So एक vibe है, but obviously and I think his other webs are also very nice and very serious oriented webs, you know, जहाँ पर काफ़ी seriousness रही है. But I think Zindabad is a different step also for him and it's for all of us, you know, and we are all very connected and very emotionally connected to Zindabad and we hope के जैसे बनाया गया और Vikram sir ने जैसा लिखा है and कहीं ना कहीं हम होप करते हैं कि ये वही मैसेज दे जो हम सोचे हैं कि देना चाहे, ना कि कुछ और कुछ और चीज़ क्रिएट करें. एंड आई एम श्योर इट्स वेरी ब्यूटीफुली रिटन, पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दिस वेब. कुछ कंट्रोवर्सी होने के भी चांसेस है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस काफी बीच में आ जाते हैं. जी, तो स्टोरी चूज करने के पीछे कोई डर था कि इन फ्यूचर कुछ हो जाए? मुझे डर पॉलिटिशियन से ज़्यादा लोगों से था कि जब प्रोमो बाहर आएगा और आई विल बी टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, हाउ विल पीपल टेक दैट. एंड ऑब्वियसली वो हुआ है वे पीपल हैव रिटन, ओ यू मेक योर मनी फ्रॉम योर यू आर एन एक्टर इन इंडिया एंड यू नो यू आर सपोर्टिंग अनदर कंट्री. माई जॉब एज एन एक्टर और एज एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप किसी की आप एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको एक एक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो आपकी आपकी लाइफ में, यू नो, जो आपकी शायद फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त होते हैं. हर इंसान मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर है और जस्ट बिकॉज कोई पॉपुलर है और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है वो इन्फ्लुएंसर नहीं होता है. ऐसे बहुत भी कॉमन लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको वो मौका मिला है तो आप लोगों को सही चीज़ बताओ या एक लोगों का माइंड चेंज करो, बिकॉज आपका ब्रेन वॉश करने ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं वाया न्यूज़ एंड वाया यू नो फेक आर्टिकल्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग दैट हैपन. सो एटलीस्ट यू शो पीपल दैट ये चीज़ें हो रही है और ये चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ सच है, कुछ झूठ है, बट देन जो अदरवाइज चीज़ें हैं आप उसको जनरलाइज मत करो. ऑब्वियसली मैं ऑडियंस के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि पीपल हु लव वेब एंड बिकॉज ऑफ ऑडियंसिस लव टुडे वेब इज़ बिकम दिस बिग. सो प्लीज़ सी जिंदाबाद द वे वी ऑल वॉन्ट यू टू वॉच इट एज अ एज अ एज एन ऑडियंस विदाउट बींग बायस टू एनी कंट्री. जी, इंडस्ट्री में काफ़ी वाकया हुआ है. क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ट्रोल करते हैं जिनका यही काम है, ये भी बोल सकते हैं? आई थिंक वो उनका प्रोफेशन है ना, तो लेट देम डू वेल इन देयर प्रोफेशन. वी ऑल वांट टू डू गुड इन आवर प्रोफेशन, सो लेट देम बी अ गुड ट्रोलर. ओके मैम, वेब सीरीज काफ़ी आ रही है, सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, तो न्यू कमर्स को कितना चांसेस देख रही है? आई थिंक वेब से मैं बहुत ज़्यादा चांसेस देख रही हूँ बहुत लोगों को जो अच्छे एक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं यू नो दे आर नॉट एबल टू रीच गुड पीपल. इट्स वेरी टफ टू रीच गुड पीपल्स एंड कन्विंस देम के आई कैन बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म और समथिंग एंड आई कैन डू अ कन्विंसिंग रोल. इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट दैट ईजी. सो वेब हैज़ समवेयर ओपन दैट स्पेस फॉर सो मेनी मोर एक्टर्स हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग एंड दे कुडंट हैव अ रीच टू फ्यू प्रोडक्शन हाउसेज. सो सम वेब, बिकॉज एक वेब का सेक्शन खुला है, सो लॉट ऑफ एक्टर्स आर गेटिंग गुड वर्क एंड देर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम देर एंड गोइंग डूइंग अदर थिंग्स. लाइक अब तो वेब में मूवी स्टार्स भी आते हैं, सो यू नो लाइक इट्स दैट बिग. सो लेट्स सी, आई होप इट गेट्स बिगर एंड डज मोर गुड वर्क. वेल ऑब्वियसली ऑडियंस वेब सीरीज़ इसलिए देखे ताकि उन्हें, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा जो नज़रिया है चीज़ों को लेकर वो सिर्फ एज एन इंडियन है, तो प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपको एक दूसरे साइड का भी, कहते ना एवरी कॉइन हैज़ हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो उसी तरीके से तो आप जाके देखें और इसे दूसरे नज़रिए से भी देखें और जो दूसरे बॉर्डर के लोग हैं वो उसे इस नज़रिए से भी देखें एंड चीज़ों को पीस आउट करें एंड
हम जस्ट बिकॉज एक कंट्री का नाम आता है या एक रिलीजन का नाम आता है हम उन्हें हेट ना करें. एंड वी शुड हेट पीपल हु डू रॉन्ग थिंग बट नॉट इन जनरल एंड एवरीबॉडी. एंड स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, इतना ऑलरेडी है. स्प्रेड लव इफ यू कैन. थैंक यू. हाय एवरीवन, क्या आपने यू टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए यूयो टीवी ऐप. जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला. जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए यूयो टीवी ऐप.